हेयर द थ्यूरम टू द मल्टीवेरियट नॉर्मल अब नेक्स्ट हमारे पास थ्यूरम टू क्या कह रहा है कि लास्ट हमने किया उसमें हमने चेक किया कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म वेरिएबल भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर ट्रांसफॉर्म वेरिएबल भी उसी को ही फॉलो करेगा जो ओरिजिनल वेरिएबल है हेयर सपोज द एक्स फॉलोज द मल्टी वेरियट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन मैट म्यू वेरियस को वेरियस मेट्रिक सेगमा ऑल्सो लेट सी C हमारे पास क्या है दिस इज दी क्रॉस पी का मैट्रिक्स है पे सपोजिशन क्या है Z इक्वल्स टू सी प्राइम सी इनवर्स एक्स माइनस म्यू ये भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एक्स फॉलोज दल्टीनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल भी फॉलोज दी मल्टीनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सो टेकिंग द एक्सपेक्टेशन टी इन एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई हो गई हमारे पास इस फैक्टर पे, यानी रेंडम वेरिएबल तो यहीं है उस पर हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर ली टी इन वर्स एज इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू सो वी नो दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू म्यू म्यू माइनस म्यू कैंसिल आउट हो गए सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी विच इज इक्वल टू जीरो फर्दर The variance of transformed variable. We check. The variance of the transformed variable, which is equals to expected value of ZZ' prime. So z, which is equals to c prime x minus mu, into z transpose x minus mu transpose into c inverse transpose. Expected value of this. This is the equals to variance covariance matrix. Because have have covariance, have have variance covariance matrix. सिग्मा, सिग्मा हमने एंटर कर लिया यहाँ पे सो सी इन वर्स सेगमा सो सिग्मा, विच इज इक्वल्स टू सी सी प्राइम दिस इज दी सी सी प्राइम विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया पी क्रॉस पी का सी सी प्राइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये टोटल हमारे पास किसके इक्वल हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स किसके आंसर आ गया पी क्रॉस पी की आइडेंटिटी सो दिस इज दी फॉलोज नॉर्मल मल्टीवेरियट डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज नॉर्मल मल्टीवेरियर डिस्ट्रीब्यूशन सो एफ ऑफ जीवल पी बाई टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस

तो so, यहाँ से आपके पास क्या हो गया मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स सो मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स विच इज इक्वल्स टू सी सी प्राइम मॉडल एस माइनस वन बाई टू एंड दिस इज इक्वल्स टू मॉडल एस ऑफ यानी डिटर्मिनंट ऑफ वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स यानी जिकोबियन हमारे पास आ गया वेरियंस को वेरियंस डिटर्मिनंट ऑफ वेरियंस को वेरियंस मेट्रिक्स सो जी प्राइम जी जी प्राइम हमने जो लेट किया सपोजिशन की हुई है विच इज इक्वल्स टू दिस वन जी विच इज इक्वल्स टू दिस वन अब फर्दर आपके पास क्या है ये ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज पहले आ गया ये वैल्यूज बाद में आ गई ट्रांसपोज ले लिया सी इनवर्स एज इट इज एक्स माइनस म्यू एज इट इज़ ये फैक्टर एज इट इज़ ये इस फैक्टर को देखो ये भी इनवर्स है ये भी इनवर्स तो हम इसको एक ही इनवर्स में ले सकते हैं सी ट्रांसपोज सी आपके पास सी सी ट्रांसपोज इनवर्स ये वैल्यू हमने ले ली

ये आपके पास आ गया हमारे पास कौन सा ये वही पी है जो हमारे पास मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पी था सेम आप देखो वही पी हमारे पास हो गया यानी ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल भी हमारे पास फॉलोज़ दी मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ दी ओरिजिनल वेरिएबल फॉलोज़ दी मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन